दिल्ली के निगम बोध पर पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, बेटे रोहन ने मुखाग्नि दी, कल एम्स में ली थी आखिरी सांस। बीजेपी मुख्यालय में अरुण जेटली को दी गई श्रद्धांजलि, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई पार्टियों के नेता रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी मुख्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। अरुण जेटली के निधन पर भावुक हुए पीएम मोदी, बहरीन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते समय बोले पीएम, मेरा दोस्त अरुण चला गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जेटली को अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ वो कोई नहीं भर पाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरुण जेटली के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और दिनेश शर्मा ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अरुण जेटली के निधन पर शोक जताया, कहा अरुण जेटली जी एक कुशल वक्ता, सफल अधिवक्ता और सौम्य राजनीतिक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। शोकाकुल परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, देश की राजनीति में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने स्वामी रामदेव भी पहुंचे। रामदेव ने कहा, देश ने एक महान नेता खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अरुण जेटली के निधन पर जताया दुख, कहा वो एक प्रसिद्ध अधिवक्ता, अच्छे वक्ता, प्रशासक और सांसद थे। अरुण जेटली के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख जताया, कहा सार्वजनिक जीवन में जेटली के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी का निधन मेरी निजी क्षति है, क्योंकि मेरे बड़े भाई अब मुझे छोड़कर चले गए। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने दुख जताया और एक तस्वीर साझा की। फोटो के साथ उन्होंने लिखा, हम क्रिकेट में साथ थे। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, अरुण जेटली जी के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को मेरी हार्दिक संवेदना। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दुख जताया, कहा आज देश कई क्षेत्रों में विकास पथ पर चल रहा है, ऐसी घड़ी में उनका योगदान आवश्यक भी था और महत्वपूर्ण भी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वो अद्भुत नेतृत्व और असाधारण प्रतिभा के धनी थे, हम सभी को उनकी बहुत याद आएगी, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेटली के असमय निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे देश के लिए बड़ी क्षति बताया, दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं एवं प्रार्थना उनके परिवार के साथ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया, कहा भारतीय राजनीति में उनके योगदान को याद किया जाएगा, उनकी पत्नी, बच्चों, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं। अरुण जेटली के निधन पर खेल जगत भी हुआ भावुक, तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने दी श्रद्धांजलि। गौतम गंभीर ने अरुण जेटली को बताया पिता जैसा, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में कल 11 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, नक्सल समस्या पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है बैठक। यूपी परिवहन विभाग का महिलाओं को तोहफा, 219 बस स्टेशन पर मदर फीडिंग रूम बनेंगे, अगले महीने से मिलेगी सुविधा। जम्मू कश्मीर में अब फहरा रहा है सिर्फ तिरंगा, श्रीनगर सचिवालय से हटाया गया राज्य ध्वज। बहरीन में पीएम मोदी ने श्रीनाथ मंदिर में किए दर्शन, G7 मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए फिर फ्रांस रवाना। G7
G7 शिखर सम्मेलन के दौरान 26 अगस्त को पेरिस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी के यूएई में होने की वजह से पाकिस्तान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने रद्द किया दौरा। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मुद्दा उठाना चाहते थे। श्रीलंका के बाद मालदीव भी आया भारत के समर्थन में। पाकिस्तान को साफ साफ कहा, अनुच्छेद 370 को हटाया जाना भारत का आंतरिक मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए जनता को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद यह पहला मन की बात कार्यक्रम है। श्रीनगर से बैरंग लौटाए जाने के बाद विपक्ष के नेताओं ने लगाए सरकार पर आरोप। राहुल गांधी ने कहा, कश्मीर में हालात सामान्य नहीं, सरकार सच छिपा रही है। राहुल गांधी के बयान पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान। सत्यपाल मलिक ने कहा, कश्मीर में सब ठीक है, विपक्ष को अभी यहां आने की जरूरत नहीं थी। राहुल की अगुवाई में विपक्ष की श्रीनगर यात्रा से मिला पाकिस्तान को मौका। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, राहुल गांधी के हौसले को सलाम। उन्नाव रेप कांड की जांच कर रही सीबीआई पूछताछ के लिए माखी थाने पहुंची। सीबीआई के दो सदस्यों की टीम ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह के करीबी विनय मिश्र और प्रमोद मिश्र से पूछताछ की। उत्तराखंड में दिव्यांग और एसिड अटैक में विकलांग हुई महिलाओं को सरकार पेंशन देगी। नैनीताल में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा, सरकार ऐसी महिलाओं को संरक्षण और आत्मनिर्भर बनाने की पहल करेगी जो या तो दिव्यांग हैं या किसी दुर्भावना का शिकार हुई। जौनपुर के बक्सा थाना इलाके में श्रीकृष्ण की मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। अमरोहा में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के मौके पर शहर में कृष्ण की झांकी निकाली गई। झांकी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भाग लिया। बिजनौर के सिवहारा थाना इलाके में पुलिस ने 2 दिन से लापता बच्चे को बरामद किया। बच्चे की मां ने अपने पति पर बच्चे को गायब करने का आरोप लगाया था। आरोपी पिता गिरफ्तार। अल्मोड़ा में एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने 2 ट्रक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 1,30,000 कैश और 13 ग्राम स्मैक बरामद। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बागपत में पैसों के विवाद में होमगार्ड और पीआरडी जवान भिड़े। धक्का मुक्की के बाद जमकर लात घूंसे चले। बरेली पुलिस की बड़ी कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए 4 करोड़ की शराब। एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। देहरादून में डेंगू से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों मरीजों ने दम तोड़ दिया। उत्तराखंड आने वाले विदेशी पर्यटकों की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तराखंड में 25.79% की दर से बढ़ रहे हैं विदेशी पर्यटक। आगरा में जल भराव के चलते संक्रामक बीमारियां फैलने लगी हैं। शहर के जगने रोड, नगला उदाशोल्ला रोड में भीषण जल भराव है। मुजफ्फरनगर में एक नवजात बच्ची को पुलिस ने वक्त पर अस्पताल पहुंचाकर बचा लिया। मामला चरथावल थाने का है। वाराणसी नगर निगम के प्रवर्तन दल ने पहड़िया बेनीपर मार्ग पर मौजूद एक गोदाम पर छापा मारा और यहां से 15 से 20 लाख रुपए की 30 से 35 क्विंटल प्लास्टिक बरामद किए। उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज में एक टीचर के विदाई समारोह में न सिर्फ छात्र छात्राएं बल्कि कॉलेज के शिक्षक और छात्रों के अभिभावक भी भावुक होते नजर आए। मामला असी गंगा घाट के राजकीय इंटर कॉलेज भंकोली का है। उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमीरपुर में 23 सितंबर को मतदान होगा जबकि 27 सितंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। बुलंदशहर में राजद्रोह हत्या और बलवा करने वाले जमानत पर रिहा हुए आरोपियों के भव्य स्वागत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा, मुहर्रम के महीने में माहौल खराब करने के लिए मेरे नाम से फर्जी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्नाव पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस को नकदी असलहे समेत एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। उन्नाव पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब 3 शातिर लुटेरे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन्नाव पुलिस ने एक शातिर गैंगस्टर को गिरफ्तार किया।
फरुखाबाद में कभी जीवन दायिनी रही गंगा और रामगंगा नदी अब लोगों के लिए अभिशाप बन रही है। दोनों ही नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। नैनीताल के डीएम सविन बंसल ने एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया। एनएचएआई को जुर्माने की रकम सरकारी खजाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के बलरामपुर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बन रहे राजकीय नर्सरी निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया, जिस पर डीएम ने एफआईआर दर्ज कराई है। लखीमपुर खीरी में प्रेमी की मां और उसकी बहन पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी का पूरा परिवार फरार है। पीलीभीत में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में आग लग गई। आग में कई फाइलें और कंप्यूटर जल गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं है। बहराइच में पुलिस को मिला नाबालिग लड़की का शव। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पड़ोसी के खिलाफ केस दर्ज किया। जौनपुर पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 25,000 के दो इनामी बदमाश शामिल हैं। संभल पुलिस ने 6 महीने पुराने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के मृतक की मां से नाजायज संबंध है। जौनपुर कोतवाली पुलिस ने अपने मालिक का 8 लाख रुपए और मोटरसाइकिल लेकर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 5,95,000 रुपए और मोटरसाइकिल बरामद किए। फतेहपुर में बच्चा चोरी की आशंका में स्थानीय लोगों ने पिता और पुत्र की जमकर पिटाई की। घटना बिंद की कोतवाली क्षेत्र के पैगंबरपुर और लोहारी इलाके की है। पिता पुत्र को किसी तरह छुड़ाकर पुलिस कोतवाली ले गई। जसपुर के बंदर जुड़ा गांव में करंट लगने से एक शख्स की मौत। जानकारी के मुताबिक शख्स बिजली का काम करता था। हमीरपुर में तेज बारिश से कच्चा मकान गिरा। मलबे में दबे बुजुर्ग को सही सलामत बाहर निकाला गया। सहारनपुर में तेज बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की समस्या। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन, नगर निगम और रेल प्रबंधन के दावों की पोल खोल दी। तेज बारिश के चलते जहां पूरा शहर जलमग्न हो गया, वहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर भी जल भराव होने से यात्री परेशान रहे। मुजफ्फरनगर में छात्र नेता की दबंगई का वीडियो वायरल। छात्रों से माफी मंगवाता नजर आ रहा है दबंग। छात्र की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। देश में फिलहाल 3,287 स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी दी। आरटीजीएस से ट्रांजैक्शन के समय को 1 घंटा बढ़ा दिया गया। अब ग्राहक 26 अगस्त से सुबह 8 बजे की बजाय सुबह 7 बजे से ही आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत को 260 रन की बढ़त। दूसरी पारी में कोहली रहाणे ने जड़ा अर्धशतक। वेस्टइंडीज की पहली पारी 222 रन पर सिमटी।